एवरीवन, सो आज हम क्या करने वाले हैं यार, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस पे हमें यहाँ पर कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या सेंटेंस है, वो सब हमने सीख लिया। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के जो चार पार्ट्स होते हैं उसके साथ उसके क्या स्ट्रक्चर्स होंगे और क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे लेके, आपको इन सारे टेंसेस में ध्यान रखना है कि जो वर्ब होता है ना उसकी कौन सी फॉर्म यूज होगा, ओके, एंड उसके बेस पे आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड सेंटेंस तैयार होगा। सो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट का। अब वर्ब के सेकेंड फॉर्म दैट मीन्स राइट का रोट, स्पीक का स्पोक, प्ले का प्लेट, राइट, ईट का एट, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही पुट करना है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया रमन, तो रमन राइट नहीं लिखूंगी मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगी, रॉट अ पोएम। मैंने यहाँ पर ले लिया रमन सब्जेक्ट, अ पोएम ऑब्जेक्ट, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, रोट लिया है, ओके, ध्यान रखना है इस चीज का। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर जो वर्ब के साथ में आई एन जी दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया गो, तो गो के साथ अगर आप यहाँ पर आई एन जी यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गोइंग, डू के साथ डूइंग, राइट के साथ राइटिंग, प्ले के साथ प्लेइंग, रीड के साथ रीडिंग, राइट। तो काफी सारे वर्ब्स होंगे, उन सब के साथ पे आपको आखिर में आई एन जी लगाना है। और यहाँ पर बोले वॉज एंड वर, वॉज यूज करेंगे, ही शी इट, क्या एक पर्टिकुलर नाम, रमन, सुमन, टमन, ठीक है, बहुत सारे सिंगुलर नेम होते हैं, वहां पर आप यूज करेंगे वॉज। वर का यूज कहाँ पर करेंगे, दे, वी, यू, या कोई भी इंडिकेशन करता है प्लूरल को, वहां पर आप यूज करेंगे वर का। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए हम रमन ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर रमन सिंगुलर है तो वॉज, राइट का राइटिंग, अ पोयम। अगर हम यहाँ पर बात करते, देखो यहाँ पर ना वॉज भी लिया है और साथ में वर्ब के साथ आई एन जी। एक प्लूरल भी देख लेते हैं, दे, तो दे के साथ क्या यूज करेंगे, वर, दे वर राइटिंग, दे वर राइटिंग लेटर्स, ठीक है, लेटर भी लिख सकते कि वो सारे क्या कर रहे थे, लेटर लिख रहे थे, ओके। अब सिमिलरली यहां पर अगर मैं बात करूं दे वर, तो दे वर डांसिंग ऑन दी फ्लोर, तो दे के साथ में वर आ गया, डांस के साथ में आई एन जी आ गया, ऑब्जेक्ट ऑन दी फ्लोर हो गया, तो दे वर डांसिंग ऑन दी फ्लोर, विच इज करेक्ट सेंटेंस एंड इंडिकेशन टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखना है, जैसे यहां पर हो गया सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, चाहे वो मेरा सिंगुलर हो, चाहे वो मेरा प्लूरल हो, चाहे रमन हो, सुमन हो, दे हो, वी हो, ही हो, शी हो, सबके साथ में आपको यहाँ पर हैड यूज करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने यहाँ पर रोड ले लिया है, मैंने यहाँ पर राइट ले लिया राइटिंग के साथ में, अब यहाँ पर मैंने क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म, तो राइट, रोड, रिटर्न, रीड, रीड, रीड आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ प्ले का, प्लेयर्ड आ जाएगा, स्पीक का, स्पोकन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वर्ड का यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ रमन हैड रिटर्न अ पोएम, ओके। अगर एक और एग्जांपल लो, जैसे सुनीता का ले लेते हैं, सुनीता हैड, अगर मैंने यहाँ पर सिंग ले लिया तो सिंगर, सिंग, सैंग, सं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुनीता हैड सं अ सॉन्ग, राइट। अब देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किस चीज का ध्यान रखना है, इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब के साथ आई एन जी, एंड ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस ले लेती हूँ, रमन है, तो चलिए रमन ले लेते हैं, रमन हैड बीन राइटिंग अ पोएम,
तो यहाँ पर क्या आ गया कि रमन ने, यहाँ पर रमन के साथ में हमने हैड यूज कर लिया, हैड के साथ में आपको बीइंग का ध्यान रखना है, वर्ब के साथ आईएनजी और अपोयम का अपोयम आ गया, राइट। सिमिलरली आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो, लेकिन उसके साथ में आपको क्या यूज करना हैड, और हैड के साथ में बीन, और बीन के साथ में जो भी वर्ब होगा वहां पर आईएनजी आएगा, क्योंकि ये क्या रेफर कर रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। तो कोई भी अगर कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंस होते हैं आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ आईएनजी ही पुट करना है, ओके। ये कंप्लीट होता है हमारा टेंस के चारों फॉर्म्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।